हिमांशु जी, अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को लेकर क्या योजना है आपकी? देखिए, मैं समाजवादी प्रमुख सभा का बलिया का जिलाध्यक्ष बना हूँ, मुझे जिम्मेदारी मिली है और मुझे ये भी जिम्मेदारी मिली है कि बलिया में जिस तरह से पहले हम प्रमुख सभा के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते थे, जो लोगों का मानना था, इस बार हम प्रमुख सभा के हर एक गांव में हर एक जन को एक एक करने के लिए प्रण ले चुके हैं और हम दिन रात एक करके सुबह से लेकर रात तक हम हर गांव घूम रहे हैं। अभी आप मुझे रास्ते में ही मिले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी हम अपनी कमेटी घोषित करेंगे और कमेटी के बाद हम ब्लॉक स्तर तक हर गांव में पहुंचेंगे और अपनी साइकिल यात्रा के माध्यम से अखिलेश यादव द्वारा 2012 से 17 में किए हुए कार्यों को बताएंगे और अखिलेश हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव द्वारा जो प्रमुख समाज के लिए जो कितने बड़े बड़े काम किए हैं उसके बारे में हम लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे। जी, तो क्या अभी आप इस संगठन के बारे में बता रहे थे, ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे, कैसे क्या है उसकी योजना? अभी हम जिला कार्यकारिणी बना रहे हैं। जिला कार्यकारिणी बनाने के बाद सातों विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव बनाने के बाद सारे विधानसभा अध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि वो ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक अपनी एक कमेटी 2-3 दिन के अंदर जल्दी मुझे दें और उस कमेटी को घोषित करने के बाद हम गांव में हर एक बूथ तक, हर एक गांव तक, हर एक प्रमुख सभा के घर तक, हर एक उस आदमी जन तक पहुंचेंगे जहां पे हम विकास जो 2012 से 17 में अखिलेश यादव द्वारा जो किया गया है उसको उन लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सवाल, जैसे खासतौर पे राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं होती रहती हैं कि वर्तमान सरकार, योगी सरकार, जो ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ कर रही है और एक तरफ आप कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही ब्राह्मणों की हितैषी रही है, जबकि अन्य की बात माने तो लोग करके आज भी ब्राह्मण समाज जो भाजपा में सुरक्षित है, ऐसा क्या? देखिए, ये केवल कहने की बात है। ब्राह्मण समाज जिस तरह से लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए करती है, मैं बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज का इस सरकार में केवल हत्याएं हुई हैं, उनको लूटा गया है, ठगा गया है। ब्राह्मण समाज के लिए इस योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। आपको बता दूं, चिन्हित करके ब्राह्मणों को मारा गया है, चिन्हित करके ब्राह्मणों पर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, उनको जेल में बंद किया गया है। आप उतने बड़े बड़े नेता, मैं उस जाति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े माफिया हैं, उनको आप जेल में कभी भेजने का काम नहीं करते हैं। जौनपुर ले लीजिए, प्रतापगढ़ ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, वो आपको माफिया नहीं दिखते हैं। लेकिन एक धर्म का सादगी व्यवहार खराब करने के लिए बलिया में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, एक तरफ उनके पोस्टर में दिखाया जा रहा है। हम अखिलेश यादव की सरकार में बताना चाहते हैं आपको, आपको याद होगा जब 2016 में पार्टी की अंदरूनी लड़ाई हो रही थी, उस समय अखिलेश यादव ने 100 केवल माफियाओं का टिकट काटा था। वो शुद्ध और सात्विक पार्टी बनाना चाहते थे, जो हम नई हवा है नई सपा है जिस तरह से हमारा स्लोगन है, उस तरह से हम समाजवादी पार्टी को दिखाना चाहते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि नेताजी हमारे जो मुलायम सिंह यादव, उन्होंने प्रबुद्ध सभा परशुराम जी की जयंती पे छुट्टी घोषित की थी, ये आतताई सरकार ने उस छुट्टी को भी वापस लेने का काम किया है। ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार जो है ब्राह्मण विरोधी सरकार है, कभी ब्राह्मण का हित कभी नहीं चाहती है। अच्छा, सवाल, अंतिम सवाल मेरा है, सवाल ये है कि क्या आगामी जो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ रोशन जी, इस टाइम और डेट को याद रखिएगा, ब्राह्मण पूरी मेजोरिटी में खुल के सामने आ गया है। आज जो चट्टी चौराहों पे, चाय की दुकानों पे, होटलों में, रेस्टोरेंट में जो आप समाजवादी पार्टी का टेम्पो हाई देख रहे हैं, वो केवल ब्राह्मण ही कर रहा है, ब्राह्मण ही बोलने का काम करता है। एक ब्राह्मण 100 पे भारी होता है, इनकी लाखों की जनसभा को 20 ब्राह्मण खराब कर सकते हो, ब्राह्मण ही रोड पे आके बोल रहा है। 100% समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार आ रही है और हम लोग के प्रदेश के जानदार और शानदार नेता श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।